आज सुबह 7 बजे के करीब मुंबई सेंट्रल स्थित एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी। 7 लोगों की मौत हो गई तो 15 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। हमारे साथ इसी इमारत के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा, कितने बजे क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। ये 7:15 के आसपास में हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है, तो जिससे लोगों में भगदड़ मच गई, क्योंकि लोगों ने भागना, जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई उस तरह फिर धीरे धीरे लोगों ने स्टेयर से भागना चालू किया है। फिर उसमें कुछ घायल भी हुए, कुछ इंजर्ड भी हुए, किसी की डेथ भी हो गई है। पर एग्जैक्ट आया कितने जन गुजरे हैं या मरे हैं या कितने इंजर्ड है उसको कोई अभी खबर नहीं है। आपको कैसे पता चला कि आग लगी, फिर आप लोग किस तरह से उतरे? सर, अभी मैं सुबह बाहर गया था 5 बजे, मेरी मदर को ड्रॉप करने के लिए कुर्ला स्टेशन गया था, तो वहां से जब आया तो फिर नॉर्मली सब सो गए, तो फिर अचानक लोगों का आवाज आया कि आग लगी है। तो लोगों ने घर से बाहर निकला, देखा तो मतलब काला काला धुआं उठा। उठने के बाद में लोगों ने देखा तो लोगों ने मतलब एक आवाज स्वरूप आया कि चलो आग लगी, तो लोगों ने भागना चालू कर दिया, तो इस हिसाब से लोगों में भगदड़ मच गई। तो फिर जो जैसे पा गए, मतलब जो लोगों ने जैसे अपनी जान सुरक्षा करने के लिए अपना भागना चालू कर दिए। अच्छा, जब लोग भाग रहे थे सीढ़ियों पे तो कुछ कोई गिरा पड़ा भी, ऐसा जख्मी हुआ? जी, जब भी क्या अचानक मैं कमरे में था, 7 बजे लाइट ऑफ हुई और जब भी गैलरी में मैं घुसा तो धुआं पूरा हुआ था और भगदड़ मच रही थी। तो जैसे ही एजिटी था, मैं भी सीढ़ियों से एक दूसरे के ऊपर गिरते लड़ते जैसे ही भी था नीचे आ गए। जितनी बुजुर्ग थी, महिलाएं थी, लिफ्ट क्या बंद हो गई थी? पूरी तरह बंद हो गई थी, लिफ्ट पूरी तरह से बंद हो गई थी। जो बुजुर्ग महिला थी उनको हेल्प करके धीरे धीरे लाया जा रहा था और जैसे जो था अपने पैरों से दौड़ते हुए सीढ़ी से आ रहा था वो। तो क्या उसमें कई लोग जख्मी हुए? हाँ जी, कई लोग गिर पड़े, जिनको सर पे चोट आ गई है, हैंड में चोट आ गई है, घुटनों में चोट आ गई है। जो बुजुर्ग थे, चल नहीं पा रहे थे, उनके लिए स्केचेस की व्यवस्था की गई थी वो बाद में, तभी तो पहले कुछ नहीं थी व्यवस्था, एम्बुलेंस ये सब बाद में आई। पहले तो जो जैसा सुन रहा था भाग रहे थे, आग लग गई है, इस तरह सुनते ही भाग रहे थे सब। कमला बिल्डिंग में लगी आग के बाद फिलहाल इस इमारत में बिजली नहीं है। आप मेरे अगल बगल जो क्राउड देख रहे हैं, इसी इमारत के लोग हैं, इसी इमारत में रहने वाले लोग हैं, जो जिन्हें फिलहाल बगल की इमारत में लाकर असेंबल किया गया है। इन्हें चाय और नाश्ता दिया जा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह ये आग लगी थी, कईयों के घर, कई लोग तो सो रहे थे, ऐसे में उन्हें नाश्ता दिया जा रहा है। साथ ही जो इंजर्ड थे उनका इलाज नजदीकी अस्पतालों में चल रहा है। आप कौन से फ्लोर पर रहती थी, कितने बजे आग लगी, कुछ कैसे पता चला? हम लोग 14 फ्लोर पे रहते थे 1406 में, और हम लोग को 8 बजे पता चली है। अब हाँ, हम लोग सो रहे थे, हमारे दोस्त ने हमें बताया तो हम वहाँ से भागकर नीचे आ गए। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। हम लोग को 7 बजे ही मालूम पड़ा, 7 बजे हम लोग बाहर है तो पूरा फटफट जैसे आवाज आ गया कैबिन के अंदर से, बाद में धुआं के बाद आग लगी, धुआं लगा। आप कौन से फ्लोर पे रहते, कैसे नीचे? फोर्थ फ्लोर, हम लोग ज्यादा से नीचे आए सर जी। यहाँ पर लोग, कई लोग तो सो रहे थे जब आग लगी थी, कई लोगों को दूसरे लोगों ने बताया कि आग लगी है, जल्दी से बाहर निकलो, जिसके बाद किसी तरह से संभलते संभलते लोग सीढ़ियों से भागते भागते नीचे आए। कैमरामैन अनुप्रस्तु के साथ सूरज झा, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।